हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साबुद्दीन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पंच को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप घर पर ही रह करके पंच को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इससे पहले भी मैं पार्ट वन बना चुका हूँ, बेसिक लेवल से आपको सिखाया हूँ। अगर आप पंच पर पुशअप नहीं लगा पाते हैं, अगर आपके पंच में जरा से भी पावर नहीं है, तो दोस्तों आप पार्ट वन जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पार्ट वन में आप सबसे मैं पूछा था, अगर आप पार्ट टू देखना चाहते हैं इसी वीडियो का, तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत ही ज़्यादा कमेंट आया उस वीडियो पर, तो मुझे जल्दी से लाना पड़ा पार्ट टू। दोस्तों, पार्ट टू में आपको सीखने मिलेगा पंच पर पुशअप कैसे लगाना है। उस वीडियो में मैं आपको सिखाया हूँ इस तरह से दोनों लेग करके और इस तरह रख करके आपको पुशअप कैसे लगाना है, ताकि आप अपने पंच को स्ट्रॉन्ग बना पाए। उसके बाद मैं आपको बताया हूँ एक पंच पर पुशअप कैसे लगाना है। उसके बाद मैं आपको बताया हूँ एक हैंड को इस तरह से पीछे ले जा करके पुशअप कैसे लगाना है। एक हैंड पर पुशअप लगाने जो मैं आपको बताया हूँ, इस तरह से सपोर्ट देने के लिए बोला हूँ। जब इस तरह आपका होने लगे अच्छे से, तो फिर इस हैंड को पीछे लेके जाना है। ये सब मैं आपको पार्ट वन में सिखाया हूँ। दोनों पैर मेरा एक इस साइड इसलिए है, पीछे दोनों पैर इसलिए नहीं है, बेसिक लेवल से सिखाया हूँ। अगर पंच पर पुशअप नहीं लगा पाते हैं आप, तो आपके लिए है, बिगिनर के लिए है ये। लेकिन पार्ट टू में आपको सीखने मिलेगा आप दोनों पैर पीछे करके किस तरह पुशअप लगाएंगे। दोस्तों, यही चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। बहुत ही अच्छा टेक्निक आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप कोशिश करेंगे शुरुआत में ही कि मैं दोनों लेग को इस तरह पीछे ले जा करके इस तरह पुशअप कर लूं, तो संभव नहीं है आपसे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको इस तरह से दोनों नी को जमीन पर रख देना है। उसके बाद आपको इस तरह से पंच रखना है। उसके बाद आपको पुशअप लगाना है इस तरह से। दोस्तों, इसी तरह आपको पहले पुशअप लगाना है। अगर अच्छे से होने लगे, तो फिर आपको दोनों नी को पीछे की ओर कर देना है इस तरह से। अभी भी आपको फाइनल नहीं करना है इस तरह से। अब आपके हाथों पर थोड़ा सा ज्यादा लोड आएगा। दोस्तों, इस तरह करने के बाद फिर से जितना पीछे आप लेके जा सकते हैं उतना पीछे लेके जाइए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद देखिए, पंच आपका आगे हो गया और आप पीछे चले गए। आप नी रखे हुए हैं इसलिए ऐसा हुआ है, लेकिन आपको फिर भी इस तरह करना है। दोस्तों, इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है, और यह सब प्रैक्टिस का आपको कम से कम 4 से 5 सेट करना होगा। एक सेट में 12 से 15 रेपिटेशन होना चाहिए। दोस्तों, जब आप यह सब प्रैक्टिस को कर लेंगे, तो उसके बाद आपको फाइनल करना है इस तरह से। फिर उतना पावर आ जाएगा आपके हाथ में, ताकि आप दोनों लेग को पीछे ले जाकर पुशअप लगा सकें। ये प्रैक्टिस का भी आपको 3 से 4 सेट करना होगा, क्योंकि आप शुरुआत के ही दौर में थक गए होंगे। शुरू में आप ये वाला प्रैक्टिस 1-2 सेट कम ही करें, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। धीरे धीरे आप अपने सेट को बढ़ाएं, 3 से 4 सेट करें, फिर 5 सेट करें। इसी तरह आप अपने प्रैक्टिस को डेली बढ़ाते रहें। दोस्तों, अगर आप अपनी प्रैक्टिस को डेली बढ़ाते रहेंगे,
तो आपके पंच में बहुत ही तेजी से पावर आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब मैं पार्ट थ्री में आपको इससे भी थोड़ा एडवांस लेवल में बताऊंगा किस तरह आप अपने पंच को और भी तेजी से स्ट्रोंग बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप पंच पर पुशअप नहीं लगा सकते हैं तो ये वाला टेक्निक आप अप्लाई कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप एक मंथ प्रैक्टिस करेंगे पंच पर पुशअप लगाएंगे इसी तरह तो आपका पंच स्ट्रोंग बन जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पार्ट थर्ड देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे भी खतरनाक सब टेक्निक बताऊंगा। ये तो नॉर्मल सब था लेकिन पार्ट थर्ड में आपको थोड़ा सा टफ वाला प्रैक्टिस देखने के लिए मिल सकता है। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, यह है मेरे यूजर नेम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए। अगर कुछ भी आपका पर्सनल सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, वहां पर मैं बराबर लाइव भी आया करता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।